प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने संगठन को मजबूत करने के लिए दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। आगरा की सुप्रसिद्ध लायंस क्लब की पूर्व गवर्नर व समाज सेविका रेणु नंदा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही है। आगरा पहुंची प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष शम्मी बोहरा समाजवादी पार्टी की पूर्व कार्यकर्ता मुन्नी बेगम व समाज सेविका रेणु नंदा को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी का लेटर थमाया गया। रेणु नंदा को PSP का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है तो वहीं मुन्नी बेगम को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत अच्छा, जहां भी गुजर रहे हैं खूब जन सैलाब, बिल्कुल अपने आप जुड़ता जा रहे हैं माननीय मंत्री जी के साथ, जिधर से भी वो गुजर रहे हैं भीड़ ही भीड़ है साथ में उनके। आज किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है यहां? चूंकि मुझे पूरे प्रदेश की बागडोर दी गई है तो उसी कड़ी में आज जो है प्रदेश उपाध्यक्ष रेणु नंदा जी को बुलाया है और मैं आशा करती हूँ कि इनके साथ जुड़ने से बहुत ताकत मिलेगी महिला मोर्चे को। और हमारी बहुत ही सीनियर पुराने रही हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है मुन्नी बेगम जी, इनको प्रदेश सचिव बनाया गया और इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो क्या समाजवादी पार्टी से लोगों को लाने की पहली प्रक्रिया चल रही है क्या? नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, ये तो वो लोग हैं जो सम्मान चाहते हैं केवल और उपेक्षित हैं, और सम्मान की चाह में अपने आप आएंगे ही आएंगे, ऐसा कोई प्रक्रिया के उसमें नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी। लोहिया के नीतियों को भूल चुकी है वहाँ और सम्मान नहीं होता है, जो कि हमारी संस्कृति भी है कि बड़ों का सम्मान करें, तो उसी उसमें हम लोग तो चल रहे हैं और हमारे नेता भी। अभी तक देखा गया समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान रहा जी, अभी आप लोगों का कहना ये है कि वहाँ वो सम्मान नहीं है जी, क्या मानते हैं यहाँ के किस तरह? यहाँ तो हमारे नेता इतने सरल सहज हैं, आप लोग सभी परिचित हैं उनसे, तो सभी का सम्मान कर रहे हैं वो, तो चाहे वो महिलाएं हो या युवा हो, सभी का सम्मान करते हैं। तो बड़ी रैली होने जा रही है 9 तारीख की, तो महिलाओं की क्या आबादी रहेगी? पूरी आधी आबादी है और पूरा जोर शोर से साथ में लगेगी और सफल रहेगी। आप नजदीक के संगठन का भी विस्तार करना है, क्या मानते हैं? संगठन का विस्तार तो हर रोज हो रहा है, लोग सैकड़ों के उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, तो देखिएगा आगे चल के लड़ाई में केवल यही रह जाएंगे। सबसे पहले तो आज बहुत ही हर्ष का दिन है, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और महिला सभा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लखनऊ से चलकर एक बहुत जोरदार जो एक शक्ति के रूप में एक सब जगह से होती हुई, मेरे ख्याल से इटावा से अभी सीधी आई हैं, कानपुर इटावा और रैया वहाँ से होते हुए सब जिलों से आगरा पहुँची हैं, तो मैं तहे दिल से उनका सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और प्रदेश महासचिव जी का भी बहुत सम्मान करती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए मैं अपने जो हमारे सुप्रीमो हैं शिवपाल यादव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और आगरा से नितिन कोहली जी का मैं उनको कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वही शायद वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे वहाँ तक लेके गए और एक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के साथ मुझे जोड़ा है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि आप लोग तो सब मुझे अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से मैं कार्य करती हूँ, और शम्मी वोरा जी के नेतृत्व में मैं इनका साथ दूंगी। सामाजिक गतिविधियों में आपको अक्सर देखा गया है, लेकिन राजनीतिक संगठन में जिम्मेदारी है? राजनीतिक भी एक समाज सेवा है, ये भी एक तरह की समाज सेवा है, मैं समाज सेवा, आप लोगों के बहुत प्यार और सम्मान मुझे आप लोगों से मिला है, आपके साथ चली हूँ मैं हमेशा, और बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मैं आशा करती हूँ कि आगे भी जब मैं चलूँगी जो निर्देश मुझे पार्टी के द्वारा दिए जाएंगे, संगठन के द्वारा दिए जाएंगे, शमी वोरा जी के द्वारा दिए जाएंगे, मैं उसको अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उसका निर्वहन करूंगी। और समाजवादी पार्टी में हुई आपसी तकरार के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से नाराज कार्यकर्ता व राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाने वाले लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इस बीच PSP के कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष शम्मी बोहरा व प्रदेश महासचिव उमा यादव का जोरदार स्वागत किया। चाचा की बड़ी बड़ी बहनें छोटे भाई को साथ देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में ये दिखा देंगे की छोटे भाई को शिवपाल जी को हमारी कितना बल और ताकत महिलाओं ने दिया और कितना साथ दिया, हम उनके साथ हैं, समाजवादी पार्टी लोहियावारी उनके साथ है,
तन मन धन से सब तरीके से। प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि महिलाओं के सम्मान के लिए पार्टी हर स्तर पर तैयार है, इसके लिए पूरे प्रदेश में भ्रमण कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। नई जिम्मेदारी को लेकर रेणु नंदा काफी उत्साहित नजर आईं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत हो गई मन की बात, जुमलेबाजों को जनता हकीकत का आईना दिखाएगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के आगरा में सूत्रधार माने जा रहे युवा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली ने कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ है और PSV गठबंधन में चुनाव लड़कर लोकसभा चुनाव में पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराएगी। देखिए, पहले तो मैं श्रीमती रेणु नंदा जी को बधाई देना चाहूँगा, जो कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की उपाध्यक्ष बने हैं और जो क्षेत्र में इस बेल्ट पे लायंस क्लब के गवर्नर भी रही हैं, तो मैं आशा भी करूँगा उनसे कई महिलाओं को वो जोड़ने का काम करेंगे। हम लोग पूरे जो फ्रंटल अध्यक्ष हैं, चाहे मैं लोहिया वाहिनी ले लीजिए, चाहे महिला सभा ले लीजिए, चाहे यूजन सभा ले लीजिए, हम लोग पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। मैं अभी भी आज ही मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली वगैरह होते हुए आया हूँ, वहाँ भी कई नौजवान साथी जुड़ रहे हैं। जैसे कि आज हमारी महिला सभा की अध्यक्ष भी पूरा सुबह से कानपुर, उन्नाव, इटावा में 3 कार्यक्रम, और अब जाके आप रात में भी देखिए, रात में आगरा में आई हैं और आगरा में भी अभी भी कार्यक्रम जारी है। तो ऐसे करके पूरे प्रदेश में सभी लोग, सभी वर्ग के लोग PSP लोहिया से जुड़ना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे कि आदरणीय शिवपाल यादव जी PSP लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि पूरे जिले में, हर जिले में कैंडिडेट उतारे जाएंगे, तो वो तो निश्चित हो चुका है कि हर जगह कैंडिडेट उतारे जाएंगे। और अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो महागठबंधन में शामिल होंगे तो हमारे सम्मानपूर्वक सीटें मिलनी चाहिए। बिल्कुल, PSP चाहती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल यादव जी ने पहले भी महागठबंधन होने की कोशिश करी थी। ये सभी जानते हैं कि जो महागठबंधन की शुरुआत करी थी वो आदरणीय नेताजी और शिवपाल यादव जी ने करी थी। जी जी, देखिए, अब तक पार्टी के साथ नौजवान से लेकर तमाम लोग जुड़ने का काम हो रहा था। आज महिलाओं को एक जिम्मेदारी के तहत यहाँ जोड़ने का काम हुआ है आगरा में। तमाम जिम्मेदार महिलाएं जो समाज में पहले से प्रख्यात हैं, अपना योगदान देती आई हैं। आज प्रदेश अध्यक्षा हमारी पार्टी की श्रीमती सम्मी बोहरा जी आई हैं, उन्होंने रेणु नंदा जी को जोड़ा है पार्टी से, और भी जैसे नगमा बेगम जी हैं, मुन्नी बेगम जी हैं, ये तमाम महिलाएं पार्टी से जुड़ रही हैं। तो धीरे धीरे हमारा कुनबा बढ़ रहा है और एक सैलाब जो पार्टी में जुड़ने का लोगों का है वो और आगे बढ़ता रहेगा। समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि समाजवाद का पाठ सपा भूल चुकी है, ऐसे में PSP ही उनके लिए राजनीति का सही प्लेटफॉर्म है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।